Hello viewers, assalamu alaikum, this is Bilawal Rajpair and you are watching the General English Grammar. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है और ये जो टेंस है किस जगह पे इस्तेमाल होता है। सही है, यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, हम इसको डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन को समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। सही है, यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन है। यहाँ ये डेफिनेशन कहती है एनी वर्क विच वॉज कम्प्लीटेड अ लॉन्ग टाइम अगो, कोई भी काम बहुत टाइम पहले कंप्लीट हो चुका है उसको कहा जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि उसने बिरयानी खाई थी, वो कराची गया था, या उसने स्टडी की थी, ये बहुत टाइम पहले उसने स्टडी की थी, ये इस वर्क को बहुत टाइम गुजर गया है उसको कहा जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे इसके एग्जांपल यहाँ पे थे, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, एच मीन्स हेल्पिंग, वी मीन्स वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का वो है हैड, ये इसका क्या है हेल्पिंग वर्ब हैड। ये जो यूज होता है आर सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो हैड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगा उसको कहा जाता है हैड। एच मीन्स हेल्पिंग, वी मीन्स वर्ब, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, एच मीन्स हेल्पिंग, वी मीन्स वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एच वी। ये क्या है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, सिंपल तरीके से लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म है एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हम इसकी लिखते हैं फॉर्मेशन, कि इसकी फॉर्मेशन किस तरह से बनती है। फॉर्मेशन जो होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की वो डिफरेंट है दूसरे टेंस होते हैं, जैसे कि हमारा पास्ट सिंपल है, पास्ट इंडेफिनेट है, उससे डिफरेंट होती है। ये यहाँ पे जो इसकी फॉर्मेशन बनती है, पहले पे हमारा जा रहा सब्जेक्ट, एस की मीनिंग क्या है सब्जेक्ट, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आने के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 मीन्स मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये जो V होती है वो किसके लिए आती है, वो आती है मेन वर्ब के लिए, मेन वर्ब। यहाँ पे 3 आता है किसके लिए, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिए क्या यूज होता है V3। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके बाद यूज होगा। ये कंप्लीट फॉर्मेशन हो गई, इस फॉर्मेशन को दूसरी तरह रिपीट करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पे सब्जेक्ट, एस की मीनिंग क्या है सब्जेक्ट, उसके बाद एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा होगा V3 मीन्स मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये इसकी क्या है, ये इसकी कंप्लीट फॉर्मेशन है। जिस तरह से आपने मैंने आपको बताया कि जो फॉर्मेशन होती है, जब फर्स्ट पे हमारा क्या होता है यूज होता है, उसमें फॉर्मेशन में पे हमारा फर्स्ट पे यूज होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, इस एग्जांपल को हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, जो हमने फॉर्मेशन लिखी उसको हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। यहाँ पे ये एग्जांपल लिखा है कि वो स्कूल गया था, ये स्कूल गया था, ये टेंस है, ये जो सेंटेंस है किसका है, पास्ट परफेक्ट का, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जो काम बहुत पहले किया हुआ हो, जिस टाइम को, जिस वर्क को बहुत टाइम गुजर गया हो उसको कहा जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं, फर्स्ट पे हमारा क्या होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है वो है, वो मीन्स सिंगुलर, यहाँ पे ही लिखेंगे ई, हमने सब्जेक्ट लिखा। उसके बाद हम आपको बताया था जो हेल्पिंग वर्ब होता है एक ही होता है, वो होता है हेड, हेड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक होगा हेड, और गो है, गो इसका होता है फर्स्ट फॉर्म, गो मीन्स जाना, और उसका जो थर्ड फॉर्म होता है गो का होता है गॉन, ही हैड गॉन टू स्कूल, ये स्कूल गया था। ये क्या होगा, ये सेंटेंस जो उर्दू का कन्वर्ट हो गया इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, अब ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, और हमारा नेगेटिव सेंटेंस जो बनता है दूसरा वो इस तरह से बनता है, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, ये स्कूल नहीं गया था, गॉन टू स्कूल, ये स्कूल नहीं गया था। ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हमारा बनता है फोर्थ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव हम क्या करते हैं किसी से क्वेश्चन पूछते हैं,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे हैड ही गॉन टू स्कूल, क्या यह स्कूल गया था, गॉन टू लगाएंगे उसके बाद हमारा हो गया स्कूल, हैड ही गॉन टू स्कूल, क्या यह स्कूल गया था, उसके बाद होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैड ही नॉट, हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, क्या यह स्कूल नहीं गया था, हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल। यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट, हमारे और जो सेंटेंस बनते हैं वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे ये मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया, अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।